इजरायली अपने एक टारगेटेड ऑपरेशन में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड बंकर को खत्म कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस अंडरग्राउंड ठिकाने से हथियार, टेंट, दवाइयां और ऐसे सामान मिले हैं जिससे साफ होता है कि इसका इस्तेमाल लंबे समय तक छिपने के लिए किया गया और इजरायल में घुसपैठ के लिए किया जाना था। तो देखिए, बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। IDF ने एक टारगेटेड ऑपरेशन में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड बंकर को खत्म कर दिया है। बंकर की तस्वीर बकायदा जारी की गई है। बंकर बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वहां पर जो भारी साजो सामान है, हथियारों का जो जखीरा है, उसको संभाल कर रखा जा सके और छुपने में भी वो काम आए। और अमेरिका में चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अलार्म बज रहा है। खतरा इस बात का है कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तभी ईरान इजरायल पर हमला बोलेगा। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने बैटलशिप तो तैनात कर दिए हैं, लेकिन ईरान को रोकने के लिए उसके पास कोई पुख्ता उपाय नहीं है। ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران چھبیس اکتوبر کے بعد تاریخ بدلتی رہی، دن گزرتے رہے اور وقت کے ساتھ ایران کے بدلے والا مزاج اور خطرناک ہوتا گیا۔ क्या यही तस्वीरें अमेरिका का सबसे बड़ा डर है? बाइडेन के जहन में इस वक्त के सबसे बड़े सवाल क्या हैं? क्या ईरान 5 नवंबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या 5 नवंबर की तारीख ईरान ने इसीलिए चुनी है क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है? क्या ईरान चाहता है कि जब पूरे अमेरिका का फोकस ट्रंप और कमला हैरिस पर हो तब इजराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइल एक साथ दाग दी जाए? ईरान क्या करने जा रहा है? क्या ईरान का हमला पूरे अमेरिका का चुनाव पलट सकता है? यही बात बाइडेन से लेकर के ट्रंप और कमला हैरिस से लेकर नेतन्याहू के जहन में लगातार दौड़ रही है। क्या 5 नवंबर को ऐसा होगा जब एक तरफ अमेरिका नया राष्ट्रपति चुन रहा होगा, कमला हैरिस और ट्रंप को वोट पड़ रहे होंगे, तब खामनेई दबा देंगे बुलेट अटैक वाला बटन? क्या 5 नवंबर ये वोट वर्सेस मिसाइल वाला दिन बनने जा रहा है? क्या यही है अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने जा रहा है और इसराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं क्योंकि जब अमेरिका अपना राष्ट्रपति चुनने जा रहा है तब इजराइल के कई बड़े टारगेट्स का डेटा ईरान की मिसाइल कंट्रोल में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलोन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम और नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। हमला फौरन होगा और बिना नोटिस के होगा। इस हमले का कंट्रोल अब पूरी तरह ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है, ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को पूरी तरह से मालूम है क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया है कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने कह दिया है
कि ईरान अब इसराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعا کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت های این رژیم صفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون یک اکتوبر کو ایران نے جس طرح سے اسرائیل پر بیلسٹک میسائلوں کی برسات کی تھی، ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इसराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इसराइल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा, ये बात इसराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध आगे बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर ये बात पक्की हो चुकी है कि अब इसराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस वक्त अमेरिका इसराइल और ईरान में होने वाले हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसकी तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने इसराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस युद्ध को किसी भी तरह खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र पर बहुत ज्यादा दबाव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने पर ब्रिटेन ने बड़ी बात कही है। Ultimately, the only way to secure not just an immediate but also a lasting ceasefire is a two-state solution. And to achieve this, of course, we need to think about what pathway there is to rebuilding Gaza as part of a viable Palestinian state, including East Jerusalem and the rest of the West Bank, living side by side with a secure and safe Israel. इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामनेई अब इसराइल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इसराइल के हमले में ईरान की आक्रामक छवि वाला रौब तार तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इसराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है। सवाल यह है कि क्या ईरान 5 नवंबर को इसराइल पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या 5 नवंबर की तारीख ईरान ने इसीलिए चुनी है क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है? क्या ईरान चाहता है कि जब पूरे अमेरिका का फोकस ट्रंप और कमला हैरिस पर हो तब इसराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइल एक साथ दाग दी जाए? مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. تهران کے آسمان میں اسرائیل کی میسائلوں اور کاؤنٹر کرنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مارک شمتا پوری دنیا نے دیکھی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ بہت سے حملے روک لیے گئے، نقصان بہت معمولی ہوا، لیکن اسرائیل کے حملے نے دنیا کو ڈرا دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔
1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान का काउंटर अटैक 5 नवंबर को आएगा जब अमेरिका में चुनाव है। ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इसराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपनी वायुसेना पर पूरा यकीन है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान के एक एक इंच को कवर करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा या फिर 5 नवंबर खामनेई दबवाएंगे वो बटन जिसके बाद वर्ल्ड वॉर होने का खतरा 10 गुना बढ़ जाएगा।